हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सेशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक स्टॉर्प्शन रिएक्शन। रीजन कहता है कि इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड स्टेरिक इंडक्शन माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग इज प्रेजेंट। देखिए बेटा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, मान लीजिए मैं बेंजिल एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगी मेरी, ठीक है। और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CH ले लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या करवानी है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। तो न्यूक्लियोफाइल आगे बेटा कह रहा है कि फास्ट रिएक्ट इस पे करेगा या फिर इस एल्डिहाइड पे करेगा। तो एक्चुअली में हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन करवाने तो हम काम करते हैं बेटा, है ना, सब्स्टिट्यूशन बोला है इसने। यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो पाएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक भी बोल दिया और कह रहा है यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। पर चलो ठीक है, इसका सेंस तो यही बनता है बेटा कि न्यूक्लियोफिलिक हमें रिएक्शन करवानी है यहाँ पर। तो यहाँ क्या होता है बेटा, फर्क क्या आता है एक्चुअली में, ये बेंजीन रिंग है ना बेटा, एक्चुअली में जितना ज्यादा है कार्बन ग्रुप मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगी। तो बेंजीन रिंग क्या लगाती है मेरा, ये मेरा प्लस आर इफेक्ट लगा रही है बेटा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और स्टेरिकली हिंडर्ड तो है ही, यहाँ पर बेटा स्टेरिक इंडक्शन में नहीं है और ये क्या लगा रहा है, केवल प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। और प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा डोमिनेटिव होता है इंडक्टिव फैक्ट से, और स्टेरिक इंडस भी बेटा मेरे बेंजीन वाले केस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इस कार्ड से बेटा अटैक मेरा फास्ट इस पे होगा, तो मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होती है, बात सही है बेटा। दोनों फैक्टर से, स्टेरिक फैक्टर से भी और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी। इलेक्ट्रॉन फैक्टर भी क्या कह रहा है कि प्लस आर लग रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हो रही है, ठीक है, एरोमेटिक वाले केस में, और मेरे एलिफेटिक वाले केस में बेटा मेरा प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आर डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। रीजन कहता है कि इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड स्टीरिक इंडस एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग इज प्रेजेंट। स्टीरिक इंडस तो प्रेजेंट है पर माइनस आई नहीं लगा रही बेंजीन रिंग यहाँ पर, ठीक है। भले बेटा माइनस आई प्रेजेंट हो, लगा मान लिया कि फिनाइल रिंग माइनस आई लगाती है, पर उसे आर डोमिनेटिंग फैक्टर मेरा रेजोनेंस है, तो यहाँ पे मेरा प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। इस कार्ड से बेटा इसकी क्या हो रही है, मेरी रिपल्शन कम हो रही है ना, क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन की कम हो रही है। मैं क्या कहूँगा बेटा, रीजन स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है, असेशन सही लिखा हुआ है, रीजन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।